You're watching Exposed India. उत्तर प्रदेश के एटा में शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। इससे पहले पुलिस कुछ समझ पाती, शिक्षा मित्रों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शन उग्र होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात ये हो गए कि किसी का सिर फटा तो किसी का पैर टूटा। अचानक हुए इस उग्र प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक प्रदर्शनकारी महिला का पैर टूट गया। आज इन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया, पुलिस के जवानों चोटिल भी हुए, मजिस्ट्रेट भी चोटिल हुए, इसीलिए यहाँ बल का प्रयोग करना पड़ा। क्योंकि काफ़ी देर से इन्होंने रास्ता भी बंद किया, मामला बिल्कुल नियंत्रण में, शुरू से ही मामला नियंत्रण में, अभी वो चले भी गए, इसके कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि योगी सरकार निरंकुश शासक की तरह काम कर रही है और उनकी मांगों को भी नहीं मान रही है। वहीं 20 से ज्यादा शिक्षा मित्रों को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। फिलहाल अब तक खामोश रहे शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। प्रशासन के इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में जगह जगह हो रहे प्रदर्शनों को रोकने के लिए प्रशासन के इंतजाम क्या होंगे, कहना मुश्किल है। एटा से एक्सपोज इंडिया के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।